जिंदगी में मिले हमें बड़े धोखे, लिवरपूल शायद लीड्स से भी हार जाए, बट इट्स ओके। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हालचाल है। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी टैक्टिकल डिस्कशन के ऊपर और हम जानेंगे कि कैसे लिवरपूल एक नए तरीके से खेल सकती है। आजकल बॉक्स मिडफील्ड जो है, यानी कि फोर मिडफील्ड मैन जो है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और बहुत ज़्यादा फैशन में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा जो टीम्स है इसको इस्तेमाल करी हैं। तो लिवरपूल ने भी इसको इस्तेमाल करके ट्राई किया और मुझे लगता है ये पेप लिंडर्स ने ही करवाया है, क्योंकि ये पेप लिंडर्स जो है, क्योंकि वो पेप गार्डियोला का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मुझे लगता है ये उसका डिसीजन ज़्यादा है रादर देन यर्गन क्लॉप। और उसने इन्फ्लुएंस ज़रूर किया होगा कहीं ना कहीं यर्गन क्लॉप को कि ये वाली जो मिडफील्ड है ये यूज़ की जाए, यानी कि 3-box-3 की जो फॉर्मेशन है। ये सिटी भी यूज़ कर रही है, आर्सेनल यूज़ कर रही है, बार्सिलोना यूज़ कर रही है, एंड इवन ब्राइटन भी यूज़ कर रही है। ब्राइटन इतनी खबीस है कि वो 2 box जो है वो यूज़ करती है बेसिकली, एंड अब लिवरपूल ने भी इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ट्रेंड में ये है, और वैसे तो बेसिकली हम इनोवेटर्स हुआ करते थे, लेकिन अब हम सिटी और आर्सेनल को फॉलो करें, हालात यहाँ तक गंभीर हो चुके हैं। लेकिन कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या तरीका है, आज इसको डिस्कस करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस बात पे तुम मेरे मुझसे डिसएग्री करते हो, किस पे एग्री करते हो। जो भी तुम्हारे डिसएग्रीमेंट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वील हैव अ डिस्कशन इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैं जानना चाहूँगा, मैं वेट करूँगा तुम लोगों के कॉमेंट्स का। अगर तुम एक लिवरपूल फ़ैन हो तो मुझे बताना कि तुम क्या समझते हो कि बॉक्स मिडफील्ड को कैसे यूटिलाइज़ कर सकती है लिवरपूल। अच्छा, बैक थ्री हमारा हो सकता है रॉबर्टसन, वैन डाइक सेंटर में, लेफ्ट साइड पे रॉबर्टसन, लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक, राइट साइडेड सेंटर बैक हमारा हो सकता है डेफिनेटली कोनाटे। तो ये बैक थ्री हो गया एलिसन के साथ। और डबल पिवट में मैं यूज़ करना चाहूँगा, तुम थोड़ा सा हैरान हो गए, थियागो को एंड ट्रेंट को। ये मेरा डबल पिवट है बॉक्स मिडफील्ड के अंदर, ये नीचे वाला जो हिस्सा है बॉक्स का। थियागो को मैं ऊपर लेफ्ट हाफ स्पेस पे क्यों नहीं खिला रहा, तुम ये सवाल ज़रूर पूछोगे। इसलिए मुझे लगता है कि थियागो एक कंट्रोलर है, वो एक कंट्रोलिंग मिडफील्ड है, वो बिल्डअप प्ले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पीछे से जब हम बिल्डअप करते हैं तो हमारी सारी बुनियाद थियागो के ऊपर होती है, और वही फिर पासेस निकालता है रनर्स के लिए, वो स्प्रे करता है पास, वो जादुई पास निकालता है, डीप लाइन प्ले मेकर वो खेलता है, एंड उसका मोस्ट इफेक्टिव रोल है डीप लाइन प्ले मेकर। तो वो उससे मैं महरूम नहीं करना चाहता। दूसरा, वो टैकलिंग में बहुत अच्छा है, वो लोअर डाउन द पिच ज़्यादा अच्छा है, और वो ज़्यादा कवर कर सकता है ग्राउंड को, जैसे कि उसने किया था बिफोर हिज इंजरी। तो मुझे नहीं लगता वो लेफ़्ट हाफ स्पेस में खेल सकता है। उसको खिलाने में कोई मज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट मुझे लगता नहीं है कि ही इज़ द राइट गाय फॉर दैट, क्योंकि उसको बहुत अप टॉप चढ़ के खेलना पड़ेगा और उसको बहुत ज़्यादा ग्राउंड पीछे आके कवर करना पड़ेगा, और वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ही इज़ ऑलरेडी 31-32, इवन दो ही इज़ एन ऑप्शन फॉर लेफ्ट हाफ स्पेस, लेकिन मैं फेबिनियो को किसी सूरत नहीं खिलाना चाहता, ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म। और अगर हम मेरिट की बात करें तो यर्गन क्लॉप को फेबिनियो को अब ड्रॉप कर देना चाहिए, ही इज़ नॉट प्लेइंग वेल। उसका सिर्फ बैड फॉर्म नहीं है, बहुत टाइम से उसकी डिक्लाइन आ रहा है और वो ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा। एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है उसकी इस सीज़न, एक भी अच्छी, इतनी गेम्स हो चुकी हैं। अब क्योंकि आखिरी 9 games रह गई हैं और ये कप फाइनल्स होने वाले हैं, ये 9 games, मैं अभी 9 games का सोच रहा हूँ। मैं छोड़ दो अभी कि समर में क्या होगा, छोड़ दो अभी कि नेक्स्ट सीज़न क्या होगा, मैं नेक्स्ट 9 games का मैनेजर, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं यर्गन क्लॉप बन गया अपने दिमाग में, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या करना है। और तुम भी यही सोच रहे होगे कि इस 9 matches में हमने क्या करना है। वी मस्ट फिनिश स्ट्रॉन्ग, वी आर लिवरपूल फुटबॉल क्लब, वी मस्ट फिनिश स्ट्रॉन्ग जितना हम कर सकते हैं। उसके लिए टैक्टिक्स बदलने पड़ेंगे, चीज़ें बदलनी पड़ेंगी कुछ। तो ये मेरा डबल पिवट हो गया। अब डिस्कशन करते हैं कि लेफ्ट हाफ स्पेस में कौन खेल सकता है और राइट हाफ स्पेस में बॉक्स के कौन खेल सकता है। पेड्री और गावी वाला किरदार कौन अदा कर सकता है। पेड्री राइट हाफ स्पेस में खेलता है मोस्टली बार्सिलोना के लिए, तो मुझे लगता है वहाँ पे हार्वी एलियट को खेलना चाहिए रादर देन जॉर्डन हैंडरसन। जॉर्डन हैंडरसन इज़ नॉट अ हाफ स्पेस प्लेयर, पहली बात ये है। वो रिकवरी रन्स बहुत अच्छे करता है, वो स्क्रीनर है, अपने डिफेंडर्स और मिडफील्डर्स को स्क्रीन करता है मिडफील्डर्स को, और वो कोशिश करता है कि अपने जो टीममेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे और ऑपोजिशन को एज अ शटलर की तरह शेडो प्रेसिंग करे। शेडो प्रेसिंग शटलर उसका काम है। वो इतना क्रिएटिव भी नहीं रहा जितना वो हुआ करता था 2020 में या 19 में, 4 साल पहले वो नहीं रहा। दूसरी लेग्स जा चुकी है, ये बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि हैंडरसन की लेग्स जा चुकी हैं, कितना जूस निकालोगे उसमें से। तो आई थिंक हार्वी एलियट शुड प्ले इन द हाफ स्पेस, और वो सलाह अगर इंटीरियर आता है तो हार्वी एलियट राइट विंग पे
ऑपरेट कर सकता है और वो बहुत अच्छा खेलता है राइट विंग पे। राइट विंग उसकी बेस्ट पोजीशन है, उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है ऑन द राइट विंग। हमेशा वो तबाही किस्म की परफॉर्मेंस देता है और पीछे आके वो ट्रैक बैक करके ट्रेंट को भी हेल्प कर सकता है अगर उसको हम हाफ स्पेस में यूटिलाइज करते हैं। अगर ऐसा होता है वो इंटरचेंज कर सकता है बड़े आराम से, ट्राइंगल्स बना सकता है सलाह के साथ, बना सकता है इवन ट्रेंट के साथ ट्राइंगल्स बना सकता है, ये हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें ट्रेंट को थोड़ा डीपर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा बेशक वो ऑपोजिशन हाफ में रहे लेकिन थोड़ा सा उसको डीपर रह के अपनी पोजिशन होल्ड करनी पड़ेगी। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड यू हैव टू बी गुड ऑन द बॉल। मुझे नहीं लगता ट्रेंट बॉल पे इतना अच्छा है कि वो प्रेस को अवॉइड कर सके जैसे एक ज़माने में जॉर्जिनियो वाइनाल्डम प्रेस को अवॉइड करता था। ट्रेंट बॉल लूज कर देता है, खासतौर पे अगर वो पिवट में खेलेगा, ये एक प्रॉब्लम है, ये इसके साथ एक ड्रॉबैक है, एक कॉन है इसका। लेकिन इसके प्रोज ये हैं कि ट्रेंट इज डेडली, ही कैन बी डेडली इन द अटैकिंग प्रोवेस एज अ डबल पिवट गाय, डबल पिवट मिडफील्डर, और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो बॉक्स मिडफील्ड में डबल पिवट में खेले। अब मसला आता है कि हार्वी एलियट की तो हमने बात कर दी, लेफ्ट साइडेड कौन खेलेगा हाफ स्पेस के अंदर? सलाह राइट विंगर है, ठीक है, नूनेज आपका स्ट्राइकर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लुइस डियाज अब वापस आने वाला है तो लुइस डियाज जो है आपका लेफ्ट विंगर होगा, तो आपका नूनेज हो सकता है, या फिर आप बहुत हो गया तो नूनेज को ड्रॉप करके आप गाकपो को खिला दोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नूनेज को ड्रॉप किया जाएगा। नूनेज अपनी फिटनेस के साथ जूझ रहा था, फिटनेस के उसके काफ़ी मसले थे तो इसलिए वो स्टार्ट नहीं कर रहा था। लास्ट गेम में भी वो बेंच से आया, लेकिन मुझे लगता है सलाह, नूनेज और लुइस डियाज जो है ना वो होने वाला है हमारा फ्रंट थ्री। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर गाकपो कहाँ फिट होगा? गाकपो इज द नंबर वन कैंडिडेट टू फिट इन दिस लेफ्ट साइडेड हाफ स्पेस जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर एंड विद द लेफ्ट विंगर, ये हो सकता है नंबर वन कैंडिडेट यही है। मैं कर्टिस जोन्स को नहीं देखना चाहता वहाँ पे। यस, कर्टिस जोन्स वहाँ खेल सकता है लेकिन इनफ क्वालिटी नहीं है। गाकपो हैज़ मोर क्वालिटी इन माई ओपिनियन, और कर्टिस जोन्स मेरे हिसाब से फर्स्ट 11 में नहीं आना चाहिए। अगर कर्टिस जोन्स फर्स्ट 11 में रहता है, आप किसी किस्म का कोई टाइटल कभी नहीं जीत सकते। लिवरपूल नहीं जीत सकती कर्टिस जोन्स के साथ इन द फर्स्ट 11 कभी भी, ये मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर लिवरपूल। तो आई थिंक गाकपो इज़ द नंबर वन कैंडिडेट जो कि उस हाफ लेफ्ट हाफ स्पेस में गावी वाला रोल कर सकता है। दूसरा एक और नाम है जिसको हम बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं और वो उसको क्लॉप भी बहुत ज्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, और वो नाम है फैबियो करवालो। यस, फैबियो करवालो एक नंबर 10 रोल में खेल सकता है। सेंट्रल जोन्स में तुम कहोगे कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, नेक्स्ट कुटिनियो वही होने वाला था, लेकिन लेफ्ट हाफ स्पेस में भी वो अच्छा खेल सकता है। ही इज़ नॉट अ लेफ्ट विंगर बट ही कैन बी इन दैट सेंट्रल लेफ्ट हाफ स्पेस, जो लाइन जो चैनल्स होते हैं उसमें वो खेल सकता है। तो मेरी नज़र में जो बॉक्स मिडफील्ड है, अगर लुइस डियाज वापस आ जाता है तो वो ये होनी चाहिए, गाकपो, हार्वी एलियट, थियागो, ट्रेंट, ये। और अगर लुइस डियाज वापस नहीं आता और नूनेज ही खेल रहा है और गाकपो आगे खेल रहा है, तो मेरे हिसाब से फैबियो कारवालो को आपको लाना होगा और उसको उस इंटीरियर लेफ्ट साइडेड रोल में खिलाना होगा, ये हो सकता है। ये दो प्लान्स हो सकते हैं जो कि लिवरपूल इंप्लीमेंट कर सकती है अगली 9 गेम्स के अंदर। क्या कारवालो वापस आएगा, क्या क्लॉप उसको चांस देगा, ये मैं नहीं जानता, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। तो दोस्तों, ये मेरा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आप डिसएग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एक मज़े की डिस्कशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।